क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है सर। हाँ बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला सोनभद्र के रहने वाले हैं। तो हाँ बताइए क्या हुआ? वो पंजाब से हम आ रहे थे, इधर रास्ते में और लोग संघर्ष बहुत से मिले, कहीं कहीं झारखंड के बिहार के करीब उस समय से इकट्ठा हम लोग 500-600 आदमी हो गए थे। तो सब जा रहे थे पैदले। पैदल? हाँ हाँ, पर जो है पारे ने उन दिल जो है मारने लगे पुलिस वाले किस जगह पर? अच्छा, सोनीपत। क्या कुछ बोले कि बस सीधे मारने लगे? वो बोले कि वापस हो जाओ, जहाँ से आ रहे हो वहीं चले जाओ। लगा वीडियो बनाए, सबसे पुलिस वाला देख लिया से उसको भी मार दिया। जो मारने लगा सबको, तो सब जने तने लगे भगने, जिसको जहाँ ही मन वहीं लुका गया झाड़ी मारी में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 1200 मजदूरों के ट्रेन से आने की खबरों के महिमामंडन के बीच में गोदी मीडिया मजदूरों के लुटने पिटने और पुलिस के लाठी चार्ज से ठुकने की खबरों को पूरी तरीके से दबा दे रहा है। अभी जिस शख्स की आवाज आप सुन रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले हैं। उनको बीजेपी शासित हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा। ना सिर्फ उनको बल्कि अपने घर आने की आस में पैदल ही सड़क पर निकल पड़े 400-500 की संख्या में मजदूरों को हरियाणा के सोनीपत जिले के बिस्वा मिल बाजार के पास में बुरी तरीके से पीटा गया। लोग किसी तरीके से झाड़ियों में छुप गए। इस तरह की खबरें दबाने की कोशिश की जाती है। मैं इस वीडियो में न सिर्फ मजदूरों को रजिस्ट्रेशन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करूंगा बल्कि 14 प्रदेश के मजदूरों को यह भी बताऊंगा कि उनको अपने प्रदेश अगर जाना है तो सरकार ने उनसे किस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की बात कही है। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर बात, इसलिए क्योंकि जब भी बीजेपी यानी कि मोदी सरकार की बात होती है तो भक्तगण ये बताने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो इसके नेता हैं वो नेता नहीं बल्कि युग पुरुष बन गए हैं। इसलिए इन युग पुरुषों पर बात करना जरूरी है क्योंकि इस समय देश में शराब के ठेके खुल चुके हैं, वो भी मोदी सरकार के गृह मंत्रालय की परमिशन से। लॉकडाउन को तहस नहस करते हुए लोग इस तरीके से झुंड में बाहर निकल पड़े, शराब की दुकानों पर टूट पड़े मानो वहां एंटी कोरोना वैक्सीन मिल रही हो। इसी वजह से लखनऊ में तैनात एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल कुमार ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर शराब की दुकानें इसी तरीके से खुलती रहीं तो हमारी 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एसीपी ने बिल्कुल सही लिखा हुआ था लेकिन ऊपर से दबाव बनाया गया और कुछ समय बाद उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया, वो भी ऐसे राज्य में जहां के मुख्यमंत्री को आप उच्च मूल्यों वाला और धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाला मानते हैं। आप उस व्यक्ति को मानव नहीं मानते बल्कि महंत से ऊपर प्रभु तक की श्रेणी में रख देते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अन्य राज्यों की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे दो शख्स की बात कर रहा हूं जिनको आप नेता से ऊपर, महापुरुष और महापुरुष से ऊपर भी प्रभु की श्रेणी में ला दिए हैं। इसलिए जब विश्लेषण करना हो तो अपने मुद्दों के आधार पर करिए क्योंकि यहां दूध का धुला कोई नहीं है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब गोदी मीडिया का खेल समझिए, क्योंकि दारू शुरू करवाने की घोषणा उनके आकाओं द्वारा की गई है। इसलिए चर्चा इस बात पे नहीं हो रही है कि दारू शुरू करने से WHO ने क्या क्या हानियां बताई हैं। WHO ने अपनी प्रेस रिलीज में स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऐसे समय में शराब पीना नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि शराब लोगों के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करती है। बल्कि डिबेट इस बात पे कराई जा रही थी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल शराब खरीदते हुए रखा गया या नहीं रखा गया। सोचिए कि अगर दूसरी सरकारें होती तो ये लोग बखिया उधेड़ देते, लेकिन चूंकि उनके आकाओं ने शराब बेचने की घोषणा की थी इसलिए उसको सोमरस की तरह ट्रीट किया जा रहा था। अब बात करता हूं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों को थमाए गए घर वापस आने के झुंझुने से। एक नया झुंझुना थमाया गया है, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट दी गई है। उन वेबसाइटों का क्या हाल है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले गुजरात से मेरे पास एक महिला का जो फोन आया वो सुन लीजिए। बोल रहा था, समाचार में दिया था कि वो फंसे हुए मजदूर लोग हैं, वो लोग हेल्प के लिए नंबर पे फोन करे बोल के बोला था ना, इसके लिए किए थे। कहाँ से बोल रही हैं? गुजरात। जाना कहाँ है? झारखंड। अच्छा, झारखंड जाना है। तो कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है आपने झारखंड के लिए? नहीं, कहाँ पे करा रहा है यही सब जानने के लिए किए थे।
अगर पास में कोई कंप्यूटर वाला हो। कंप्यूटर वाला साहब तो इधर बंद बंद है, कहाँ पे कंप्यूटर वाला रहेगा? तो फिर कैसे कराएंगी आप रजिस्ट्रेशन? मोबाइल नंबर बता दें तो कुछ काम बनेगा? किसका मोबाइल नंबर? वहाँ सरकार का। यहाँ का मोबाइल, सरकार का मोबाइल नंबर तो हम लोग को कैसे मालूम रहेगा? हम लोग तो यहाँ काम करने के लिए आए थे। हम बता दें तो नोट कर लोगी आप? नोट करेंगे तो उसमें बात करेंगे तो होगा? अब देखो कोशिश करिए और क्या बताएं, कोशिश कर सकते हैं। नंबर लिखिए तो बात करिएगा वहाँ पर। अच्छा बोलिए। विभिन्न मजदूरों के फोन जो मेरे पास आते हैं उनके आधार पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि विभिन्न सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों के मजदूरों को वापस लाने की जो घोषणा अपनी इज्जत बचाने के लिए की है वो महज रस्म अदायगी और अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए की है। या तो आपकी नीयत में कोई बहुत बड़ा खोट है और या आपकी सरकार की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। आप लोगों ने एक दूसरे की सरकारों को देख करके आनन फानन में वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए जारी कर दी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, तमाम सारे अधिकारी और तमाम सारे बौद्धिक लोग जो रजिस्ट्रेशन की वकालत करते हुए कह रहे हैं देखो विभिन्न सरकारों ने मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट जारी कर दी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जरा खुद से सोच कर देखिए आपने अपने जीवन में कौन सा फार्म खुद से भरा है, साइबर कैफे का सहारा नहीं लिया है, PCS से लेकर BTC BEd तमाम नौकरियों के 90% लोग साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरवाते हैं। ये इस वीडियो को देख रहे तमाम लोग अपने दिल से पूछ कर देखें क्या उन्होंने अपने जीवन में कोई भी एक फॉर्म खुद से भरा है। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बेचारे मजदूर जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो अंग्रेजी में किसी फॉर्म को ठीक ढंग से भर लेंगे? उनके पास लैपटॉप कहाँ से आएगा? मान लीजिए आप कहते हैं कि साइबर कैफे से जाके भरवा लें, तो मैं ऐसे भी वीडियो आपको सुनवा दे रहा हूं जहां पर लोग साइबर कैफे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पुलिस उनको पहले ही ठोक पीट करके बराबर कर दे रही है। कहां से बोल रहे हैं? पूना से। पूना से कहां के रहने वाले हैं? गोरखपुरी। नाम क्या है? लवकुश चौरसिया। अच्छा बताइए, अब बताइए। व्यवस्था कुछ है हम लोग को आने का? रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने? हाँ रजिस्ट्रेशन कराया है सर, हो गया 5-6 दिन, कुछ भी नहीं पता लगा। 5-6 दिन पहले कराया? किस वेबसाइट पे कराया है? हो गया। हाँ कहाँ, किस वेबसाइट पे कराया है? वो चौकी से कराया है। पुलिस चौकी पे गए थे? हाँ पुलिस चौकी। तो वहाँ क्या फॉर्म भर के दिया था? फॉर्म भर के दिया था, कैसे कराया था? हाँ फॉर्म भर के दिया था। अच्छा फॉर्म भर के दिया था, और उसके बाद ऑनलाइन भी करा किया है मोबाइल से। ऑनलाइन लेकिन शुरू तो किया है सरकार ने, कल से ही शुरू किया है पोर्टल, आज से ही? नहीं वो 4-5 दिन वो भी हो गया, अब ऑनलाइन कराते हैं। कौन किस पे कराया है, मतलब कौन से वेबसाइट या पोर्टल, कुछ याद है? पांड्या क्या ऐसा है कुछ है? अब हम ये भी मान लेते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों का रजिस्ट्रेशन करवाने का कदम मजदूरों के हित में है, तो सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि इन सारे मजदूरों को ये कैसे पता चलेगा कि उनको कौन सी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना है? मान लो उनको पता भी चल गया कि उनको रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर कराना है, तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ जाके करवाएंगे? मान लीजिए उन्होंने कोई साइबर कैफे ढूंढ भी लिया तो वो साइबर कैफे वाला उनका रजिस्ट्रेशन ठीक ढंग से करेगा? इस पे भी सवाल है। उस मजदूर को ये पता कैसे चलेगा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको घर कब पहुंचना है? तमाम सारे मजदूरों के फोन इसलिए आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम एक हफ्ते पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। सोचने की बात यह है कि जब विभिन्न सरकारों ने एक दो दिन पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन की साइट खोली है, कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो आज 5 मई से ही घोषणा की है कि उनके jansunwai.nic.in पे लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश आने के लिए एक एक हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन करवाया वो रजिस्ट्रेशन आखिर करवाया कहाँ गया? हम फतेहपुर जिला से हैं, गांव मेरा आया है सर, पूना में है, फंसे हुए थे, गांव आने का है तो गांव नहीं आने दे रहे हैं। तो एक पोर्टल है उस पर वो करवाया है आपने? मेडिकल करा लिया है सर। नहीं एक पोर्टल बनाया है यूपी सरकार ने, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाया है?
रजिस्ट्रेशन करवाया था, गांव से भी करवाया है और इधर मोबाइल से भी करवाया था। ठीक ठीक, तो आने नहीं दे रहे हैं, अभी कैसे क्या करें सर? तो रजिस्ट्रेशन करवाया है तो अभी कैसे आने देंगे? सरकार जब आपको अनुमति देगी तब आइएगा सर। तो कब तक इंतजार करेंगे? यहाँ पे भूखन मर रहे हैं सर। सर यहाँ पे नहीं, हम लोग फार्म भरता है बार बार, दूसरे लोकल लोकल फार्म दे देते हैं सर। हम परेशान, पढ़े लिखे नहीं है सर, आप क्या करें? सही है, समझ रहे हैं। पुलिस चौकी में कोई सुनाई नहीं कर रहा है, पुलिस वाला मार के भगा देता है, बोलते हैं जाओ अपने कॉलोनी में रहिए जाके। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा हो अभी भी। सर बराबर भरा है, जो पुलिस फॉर्म देते हैं पुलिस वाले वही हम भरेंगे, और दे रहे हैं तो बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा, ये नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा। सर हम परेशान हैं, पूना में फंसे हुए। पूना में हैं, फतेहपुर के रहने वाले हैं, यूपी के। हाँ सर, क्या नाम और सर? नाम क्या है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है सर। सरकारें झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए मजदूरों से अपील करती है कि आप पैदल घरों से ना निकलें, लेकिन समय सीमा तो बताइए कब तक ना निकलें? लाखों की संख्या में मजदूर जो यहां वहां फंसे हुए हैं, आप कब तक उनको घर लेकर के आएंगे? कम से कम ये तो बता दीजिए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि तमाम सारे मजदूरों को दो दो नहीं तीन तीन बार फॉर्म भर चुके हैं और हर फार्म के लिए उनसे 40 से 50 रुपए वसूले गए हैं। एक फार्म चौकी की तरफ से दिया गया, एक फार्म स्थानीय किसी व्यक्ति ने आके पकड़ा दिया, उनसे पैसा वसूल लिया। जो फॉर्म वो नज़दीकी पुलिस चौकी या थाने से लाए थे, जब उस फॉर्म को जमा करने गए तो पुलिस वालों ने मना कर दिया, ये फॉर्म हमारे यहाँ जमा नहीं होगा, अब आपके लिए नई वेबसाइट जारी कर दी जा रही है। तमाम सारी फर्जी वेबसाइट भी चल रही हैं जो मजदूरों से रजिस्ट्रेशन भी करवा ले रही हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उनसे 100 से 200 रुपए भी वसूल ले रहे हैं। ऐसे समय में जब मजदूरों के पास खाने के लाले हैं, ये पैसा उनके पास कहां से आ रहा होगा? ये तो कम से कम सहानुभूति पूर्वक सोचिए। हम सर अजीत बोल रहे हैं सर। कहां से? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से? हां। कहां जाना चाहते हैं? झारखंड जिला साहेबगंज जाना सर। तो नंबर तो दिए हुए हैं, लगाइए। नहीं सर, एक भी नंबर में नहीं लगे सर, फोन सब सर झूठा नंबर दिया हुआ सर, एक भी नंबर नहीं लगे। और देखिए सुनिए सर, अगर नहीं होगा सर तो हम लोग बारह आदमी पैदल निकल जाएंगे सर, तो फिर बात खराब होगा सर, हम लोग भी अपने जान का भी डर कर रहे हैं। सही बात है। नहीं तो झारखंड सरकार ने एक वेबसाइट बताई है कि उस पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। सारा कुछ कर चुके सर, रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। कहाँ से करवाया रजिस्ट्रेशन? नहीं, यहाँ से किए, जहाँ रह रहे हैं हम, क्योंझर जिले में। किसी कंप्यूटर वाले से करवाया है? बारह आदमी है सर, हम लोग परेशान हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया? रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड दिया, जहाँ रहते हैं वहाँ का आता पता दिया। किससे करवाया? कंप्यूटर वाले से करवाया है? हाँ सर। तो जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका कोई नंबर मिला है आपको? रजिस्ट्रेशन जो करवाए तो उसका वही सब जमा ले लिया सर, लेकिन वो उनका कहना है कि हम अभी कुछ नहीं बता सकते। हाँ तो सही कह रहे हैं, जब तक सरकार नहीं लाएगी तब तक कोई कैसे बताएगा सर। बारह अभी तक इतना दिन में 7,000 मजदूर कुल पहुँचे हैं वहाँ झारखंड, और 7,00,000 मजदूर है, जिसको तो ले जाने में सर 5 महीना लग जाएगा। सरकार से हाथ जोड़ रहे मोदी जी से, योगी जी से, ठीक है, जो कुछ किया, क्योंकि हम सरकार को इस टाइम पे गलत बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, जो हमको सब पता सही है, सही है, ठीक है, क्योंकि हम गरीब आदमी अनपढ़ है, इतना सही है, सही है। बताओ आपने कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया आने के लिए यूपी? सर मैंने नहीं करवाया, मैं जहाँ जाता हूँ तो वही बोलता भाई गाँव के सरपंच से फोन करवाओ, ऐसे उल्टे सीधे घुमा दे, और जो ना आप हेल्प नंबर बता रहे ना, सर ऐसे कई मायावती की पार्टी, कई कौन की पार्टी की मीडिया लगते ही नहीं होंगे, कोई सब मैं लिख के रखा हूँ सर, और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं समझाऊंगा गाँव गाँव जाके, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा शुभ नाम है यादव, गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवरी करने आया था कि बच्ची शादी में, साल साल तो गाड़ी चला लूंगा तो बच्ची की शादी कर लूंगा। तो ऐसा है, ये बहुत बड़ी राजनीति है, आगे का चुनाव है, मोदी न पता चला दे तो 2022 खत्म होने दिन की। सही है सर, हम जाने नहीं है कि पागल हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती, जनता को चाटने को बैठे हैं। बस बस बिल्कुल सही है, बात नहीं कर रहा हूँ, अरे आप ही लोग हो,
और मैं आपके आपके ऊपर भी जान रहा हूँ कि आप और ज्यादा दबाव करोगे तो आप भी जेल जाओगे। चलो ठीक है, अब आप लोगों के लिए चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मजदूरों से केवल यहां तक वसूली नहीं है, जब अपना वो हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो वहां भी उनसे कई जगह 200 से लेकर 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। मजदूर मरता क्या ना करता, अपनी बची बचाई कमाई से वो भी पैसा दे देते हैं कि किसी तरह घर तो पहुंच जाए साहब। लेकिन कई मजदूरों को फॉर्म जमा किए हुए एक एक हफ्ते हो गए हैं, मान लो उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया तो साहब अब ये भी बता दीजिए कि वो घर आएंगे कब तक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब वो करवाते हैं तो उनके पास जो मैसेज आता है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है ये आपके घर पहुंचने की गारंटी नहीं है, सरकार के लोग आपसे संपर्क करेंगे तब आप लोगों को घर लाया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सरकारों पर सवाल उठाना नहीं बल्कि मजदूरों को सकुशल उनके घर पहुंचाना है। इसलिए मैंने 5 घंटे की मेहनत करके विभिन्न राज्य सरकारों के जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैं उनको ढूंढ निकाला है। इस वीडियो में बगल में आप तमाम सारे जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 14 राज्यों के मजदूर देश भर में अगर कहीं फंसे हुए हैं तो कम से कम अगर बगल में आपको साइबर कैफे मिल जाता है तो मैं जो लिंक दिखा रहा हूं आपको लगातार स्क्रीन पर, उस लिंक को ले जाकर के उस साइबर कैफे वाले को दिखाइए और कहिए कि इस पोर्टल पर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अभी मैं चेक कर रहा था बिहार की, इस वीडियो बनाने तक कम से कम बिहार सरकार की साइट खुली नहीं रही है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिख के आ रहा है तकनीकी खामियों की वजह से इस वेबसाइट को अभी नहीं खोला जा सकता। तमाम सारे राज्यों की वेबसाइट में ये भी खामी है, वहाँ केवल ई पास की व्यवस्था है, मजदूरों के आने जाने की व्यवस्था है ही नहीं। तमाम सारी राज्य सरकारों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी देने की व्यवस्था की है लेकिन उस साइट को मजदूरों के द्वारा किसी भी कीमत पर नहीं भरा जा सकता, उसकी सबसे बड़ी खामी तो यही है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि राज्य सरकारों को आखिर पता कैसे चलेगा कि उनके राज्य के मजदूर देश भर में कहां कहां फंसे हुए हैं। आप सोचिए, नेशनल जनमत जब इतने कम संसाधनों वाला एक संस्थान है, जब मेरे पास प्रतिदिन 400 से 500 फोन मजदूरों के आते हैं तो सोचिए राज्य सरकारों के पास कितनी बड़ी फौज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से दावा करते हैं कि उनके पास एक कॉल सेंटर है जिसमें 500 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। अगर सोचिए इस कॉल सेंटर पर वास्तव में वो 500 से ज्यादा लोगों को एक साथ बैठा सकते हैं तो एक हफ्ते से ज्यादा समय नहीं लगेगा जब देश भर के मजदूर उनके पास फोन करके ये बता देंगे कि मैं कहां फंसा हुआ हूं। जब मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल 50,000 से ज्यादा मजदूरों की सूची राज्य सरकार को सौंप सकती हैं, जब नेशनल जनमत की ट्वीट अगर सीएम ऑफिस लगातार देखे तो उनके नंबरों के आधार पर कम से कम 20 से 30,000 मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है, तो किसी भी राज्य सरकार के लिए क्या ये बहुत बड़ा काम है कि वो अपने राज्य के मजदूरों को आइडेंटिफाई ना कर पाए? ये रजिस्ट्रेशन की नौटंकी क्यों है? मुझे लगता है कि सरकार की नियत में खोट है। सरकार धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहती है और सही समय पर उन सारे मजदूरों को राज्य में लाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि इन सारे मजदूरों को अगर राज्य में ले आएंगे तो इनको खाना कैसे खिलाएंगे, इन सारे मजदूरों को क्वारंटीन कैसे करेंगे, इन सारे मजदूरों की व्यवस्थाएं कैसे संभालेंगे। कुल मिलाकर के किसी भी राज्य सरकार के पास मजदूरों को लाने की सही नियत है ही नहीं, बल्कि वो उनको रजिस्ट्रेशन के या फर्जी फॉर्म भरने की नौटंकी में फंसवाते ही नहीं। दूसरा एक सुझाव जो अपना दल के सोहरतगढ़ से विधायक चौधरी अमर सिंह ने दिया था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि सरकारों को जरूरत ही क्या है मजदूरों के रजिस्ट्रेशन करवाने की या उनके नंबर नोट करने की, आप तो किसी भी स्थान पर बस लगा दीजिए, निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर होगा तो ही वो उसमें बैठेगा, मध्य प्रदेश या हरियाणा का मजदूर उस बस में नहीं बैठेगा। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप ट्रेनें चलवाइए, मजदूरों को वापस लाइए, बसें चलवाइए, मजदूरों को वापस लाइए। अगर आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की नौटंकी में मजदूरों को फंसाते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो जाएगा, आप मजदूरों को वापस नहीं ला पाएंगे और मजदूर इसी तरीके से सड़कों पर पैदल निकलने को मजबूर हो जाएंगे, फिर चाहे वो सड़क पर मर जाएं या कोरोना से। देखते रहने संजन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो